नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। बिहार में शिक्षा विभाग के नए छुट्टी कैलेंडर पर सियासी बवाल जारी है। हालांकि नीतीश सरकार ने हिंदी पर्वों की छुट्टियां घटाने या हटाने के आरोपों को अफवाह बताया है। नीतीश सरकार के मुताबिक महाशिवरात्रि, जानकी नवमी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी जैसे त्योहारों की छुट्टियाँ खत्म नहीं की गई हैं। आइए पहले जान लेते हैं कि शिक्षा विभाग द्वारा 2024 के लिए जारी अवकाश तालिका में किन त्योहारों के अवकाश को खत्म कर दिया गया है। शिक्षा विभाग द्वारा जारी अवकाश तालिका के मुताबिक इसमें हिंदू धर्म के प्रमुख त्यौहार शिवरात्रि, रामनवमी, श्रावण, अंतिम सोमवारी, तीज द्वितीया, जन्माष्टमी, अनंत चतुर्दशी, भैया दूज, गोवर्धन पूजा, गुरु नानक जयंती, कार्तिक पूर्णिमा आदि त्योहारों के अवकाश को खत्म कर दिया गया है। यही नहीं, होली, दुर्गा पूजा, दिवाली, छठ, 2 अक्टूबर, महात्मा गांधी जयंती आदि त्योहारों के अवकाश के दिनों को कम भी किया गया है। इसके अलावा मुहर्रम, बकरीद, ईद की छुट्टियों के दिनों को बढ़ाया गया है और गुरु गोबिंद सिंह जयंती, रविदास जयंती व भीमराव अंबेडकर जयंती पर अवकाश घोषित किया गया है। छुट्टी के इस कैलेंडर के जारी होने के बाद सियासत भी गर्माने लगी है। भाजपा के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने सोशल मीडिया के एक्स पर लिखा कि तेजस्वी यादव के बयान की मंदिर में घंटी बजाने से पेट नहीं भरता है। 24 घंटे के भीतर हिंदू पर्व त्योहारों को छुट्टियों की समाप्ति किए, जिम्मेवारी कौन लेगा, नीतीश या तेजस्वी? मुस्लिम स्कूलों में शुक्रवार के बाद क्या हिंदू स्कूलों में मंगल को छुट्टी होगी? दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने स्कूलों में छुट्टी के फैसले को तुष्टिकरण बताया है। सरकार को हिंदू विरोधी बताते हुए अश्विनी चौबे ने कहा कि एक तरफ स्कूलों में मुस्लिम पर्व की छुट्टी बढ़ाई जा रही है, वहीं दूसरी तरफ हिंदू त्योहारों की छुट्टियां खत्म की जा रही हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सोशल मीडिया के एक्स पर लिखा कि बिहार में कई हिंदू त्योहारों की छुट्टियां खत्म कर दी गई हैं और ईद मुहर्रम की छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं। यह भी गजवाए हिंद का एक हिस्सा है। जारी कैलेंडर के मुताबिक 2023 में रविवार सहित 64 दिनों का अवकाश था, जबकि 2024 के लिए जारी अवकाश तालिका में रविवार सहित 60 दिनों की छुट्टी दी गई है। राज्य के सभी उर्दू प्राथमिक, मध्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों या मकतब में साप्ताहिक छुट्टी शुक्रवार को होगी या स्कूल रविवार को खुले रहेंगे। कुल मिलाकर बिहार के सरकारी स्कूलों में होने वाले अवकाश को लेकर सियासत तेज हो गई है। हिंदू समुदाय के लोगों के पर्व में की गई कटौती से भाजपा सहित अन्य दल सरकार की नीति और फैसले पर ऐतराज जता रहे हैं। यूपी के लखनऊ में सरोजिनी नगर सीट से भाजपा विधायक राजेश्वर सिंह ने नीतीश सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि भारत की संस्कृति के लिए दमनकारी इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करता बनने को आतुर नीतीश कुमार लगातार भारत के मूल चरित्र को कमजोर करने वाले कार्य कर रहे हैं। दूसरी तरफ नीतीश कुमार के मंत्रियों ने इसे अफवाह बताया है। बिहार सरकार के मंत्री संजय झा ने सोशल मीडिया के एक्स पर लिखा कि बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने सामान्य और उर्दू स्कूलों के लिए वहां के अधिकतर विद्यार्थियों की सुविधा के अनुरूप छुट्टियों का अलग अलग कैलेंडर जारी किया है, लेकिन दोनों स्कूलों में छुट्टियों की कुल संख्या बराबर है। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।